हेलो गाइस वेलकम बैक अनदर गेम प्ले वीडियो आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले भाई लोग यार माइनक्राफ्ट और भाई बहुत दिन बाद माइनक्राफ्ट का एपिसोड आ रहा है भाई मेरे को ये मालूम है और भाई यार मेरे को ए, भाई मैं क्या बताऊँ मेरे को नेदर पोर्टल जाऊँ क्या मैं और क्या करूँ मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आप लोगों से ने सजेस्ट करने बोला था पर आप लोगों ने कुछ सजेस्ट किया ही नहीं मेरे को भाई लोग यार मतलब हम लोग लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा हम लोग भाई ट्रिप के लिए गए थे मतलब ऐसे राउंड मार के पूरा घूम के और वो घूमते वक्त हम लोग अपना रास्ता ही भटक लिए और मेरा हॉर्स मर गया सब सामान चले गया और मैं आज सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग पक्षी पालन किया जाए मतलब सब लोग आते ना ऐसे शीप्स काव को सब लोग पालते हैं पर मैं तो भाई वो नहीं किया मैं सीधा घरवाहने लग गया भाई मेरे को ज़्यादा ही जल्दी ग्रेजुएट हो गया इसके लिए भाई हम लोग भी आज पहले घर बनाए मतलब पहले पालन करके और फिर बाद में भाई घर तो बना लिए अभी घर को कुछ रेनरेट करना है बाकी है एक दो चीज़ और नीचे तो थोड़ा बहुत कोल है इसको क्यों ना ले आ जाए अगर कोल ज़्यादा रहेगा तो मज़ा आएगा अरे यार पहले देखते हैं कोल कितना सा है शायद से धोई है एक बार देख ही लेते हैं कितना भाई बहुत सारा है यार कोल बस एक मिनट तो अभी का कोल कलेक्ट करके आप लोग से मैं मिलता हो ओके कहा फाइनली सारा सारा कोल्ड कलेक्ट कर लिया और भाई ऊपर जाने भाई ऊपर कैसे जाएगा यार मैं फंस गया नीचे कब से ट्राई कर रहा हूँ ऊपर जा ही नहीं पा रहा शायद से इस बार चले जाऊंगा अरे हट जाना भाई डट हट जा काय को परेशान कर रहा है मेरे को ओके फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं पहले जल्दी सोने जाते भाई यार कोल के चक्कर में मेरा पूरा रात गुजर गया यार अब भाई लोग यार मतलब मैं लास्ट एपिसोड में मेरा हॉर्स सब मर गए थे मतलब मैं एक बार एक जगह में घूम गया था उस जगह में मेरे को क्या मालूम हाँ भाई मैं ओश मतलब ऐसे डुबके मर गया था मैं हम लोग जा रहे थे भाई कुछ क्या बोलना, क्या बोल क्या मालूम कुछ नीचे था ओशन मोन्यूमेंट तो बिल्कुल भी नहीं था भाई मेरे तेस, चेस्ट भी अंदर होता होगा जा देखा नीचे गया मैं मेरा सांस घट रहा था बस मेरे पास चार हाथ बाकी था भाई मैं ऊपर ऊपर तो चले जाता मैं जोमी ने एक फटका मारा ड्राउन जोमी ने मैं ख़त्म भाई मैं पूरा ख़त्म हो गया मेरे पास खाना नहीं सब चल दिया मेरा और मेरे को रूइन पोर्टल मिला था रूइन पोर्टल से हम लूटे भी थे पर रूवन पोर्टल से लूट के भी क्या फ़ायदा यार सब सामान चल दिया और मेरा खाना भी तो गया है भाई अब थोड़ा अब थर्ड ट्वेंटी फोर मेरे को भाई मटन मिल चुका है जो कि मैं सब कलेक्ट करके रखा था भाई यार खाने का तो बंदोबस्त हर बार रखना ही पड़ता है जब मैं ऐसे फ्री रहता तब तो मैं ऐसे खाने का बंदोबस्त कर देता हूँ और मैं बहुत दिन बाद मतलब बहुत दिन बाद माइंड क्राफ्ट खेल रहा हूँ मतलब पहले से टाइम पास ले आते रहता था और आयरन फार्म से थोड़ा आयरन लेते रहता था पर अभी ऐसे नहीं है और ये क्राफ्टिंग टेबल और चेस्ट सब तोड़ देते यार ये सब ज़रूरत नहीं है अभी के लिए सबको तोड़ के अपने का, अपने इन्वेंट्री में कलेक्ट कर लेते हैं और भाई यार इसको मैं पूरा एकदम मस्त जगह डेकोरेट भी करूँगा इसको मैं बाहर से इसको बाहर से कॉबल से डेकोरेट करेगा और अब भाई यार उसका स्टेज होगा स्टोन uh, से जो कि मैं अभी बस अभी जस्ट एक मिनट हुआ होगा सोचा मैंने भाई यार तो बहुत इजी है और हम लोग जॉम्बी का आयरन फार्म आप लोग सोचते हो बनता है करके पर नहीं यार जोम्बी का आयरन फार्म भी नहीं भाई ये ये आयरन फार्म भी मस्त है और आप लोग वीडियो समझ में अगर आप लोग आयरन फार्म वीडियो बहुत सारे नहीं देखे होगे मतलब भाई लोग मैं डाला ही नहीं रूँगा आयरन फार्म जो कि एक घंटा तीस मिनट का वीडियो था कुछ ज़्यादा ही लंबा था इसलिए मैंने डाला नहीं आप लोग को मैं बता दिया था वो रीज़न पर यार मैं वापस डाल दिया मतलब एक आयरन फार्म जो कि मैं क्रिएटिव में किया था मेरे वर्ल्ड में नहीं ठीक है सर्वाइवल वर्ल्ड में नहीं एक मतलब मैंने एक नया वर्ल्ड मतलब नया वर्ल्ड क्रिएट किया उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि आयरन फार्म कैसे बनाया जाता है जो जो नहीं देखे जाके देख सकते हो और आयरन फार्म ना वन में वर्क होता है वन जीरो पॉइंट थर्टी टू मेरा वर्जन है इसमें वर्क होता है और वन पॉइंट एटीन पॉइंट थर्टी पॉइंट थर्टी टू वर्जन में भी वर्क होता है ये दो वर्जन में वर्क होता है हंड्रेड परसेंट मैं पूरा हंड्रेड परसेंट गारंटी ला के बोल सकता हूँ क्योंकि ये दो वर्जन में मैंने ये वाला आयरन फार्म ट्राई करके देखा हो और दूसरे वर्जन तो भाई मेरे को भी नहीं मालूम मा है अगर मैं ट्राई करके देखूँ तो वाइल वगैरह अभी अब भी कभी जाके लेकिन लाइक कर सकते हो मेरे लिए थोड़ा मोटिवेट होगा और यार नीचे कुछ केव तो कनेक्टेड नहीं है यार और यहाँ भी थोड़ी बहुत कोल है क्या पता कुछ ज़्यादा ही कोल हो जाए अरे यार रुको मैं पहले एक थोड़ा एक स्टिक के चलो चार चार टॉर्च बन जाएगा एक टॉर्च लेकिन हम लोग यार लगा ही देते अंदर कौन है ऐसे वो दूसरा के भी नहीं है भाई यार ये तो रुको ये ब्लॉक तोड़ते और चलते नीचे और बस थोड़ा बहुत कोल है यार इसे क्या मिलता गया ये 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 वाले जगह के भी ढक देते हम लोग तो क्यार फिलहाल मैं भोगला भोगला नहीं करना सब जगह को इस इसके लिए इतना सारा मैं कॉबल स्टोन लेके आया हूँ सब जगह ढक देगा भाई काम इसे पूरा फोकला मुफ्त नहीं होना चाहिए बस थोड़ा बहुत ढकेंगे ऐसे पूरा भी नहीं ढकना है भाई क्या कितना कंजूस तो बनना पड़ता है ये भाई यार माइनक्राफ्ट में अरे <laughs> यार और भाई लोग वन ब्लॉक आप लोग सपोर्ट करना भाई वन ब्लॉक में कुछ ज़्यादा रिव्यूज़ आया था थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई लोग यार एक व्यूज बीस आया था भाई पहली बार और अगर आप साथ लाइक भी कर सकते हो भाई यार वन ब्लॉक के लिए और सर्वाइवल तो भाई चल रहा है आप उनका घर बिर सब बना दिए और नेक्स्ट क्या बनाओ भाई कमेंट करना मैं जो भी और जो भी बोलोगे सब बनाऊंगा मैं नेक्स्ट भाई मैं देखो तीन टॉपिक दे रहा हूँ मतलब दो टॉपिक दे रहा हूँ ठीक है एक है वुड फार्म दूसरा है आयरन फार्म भाई आयरन फार्म नहीं क्या बोलते जोम्बे किसका नाम क्या है भाई ए पी फार्म हाँ भाई ई पी फार्म कौन सा फार्म बना आप लोग को सजेस्ट कर देना और भाई लोग यार बस दो मिनट दो मैं पूरा पूरा डेकोरेट करके मिलता हूँ ओके गाइस फाइनली पूरा का पूरा डेकोरेट हो चुका है डेकोरेट हाँ भाई डेकोरेट पूरा का पूरा हो चुका है मैंने सारा जगह से कॉबल स्टोन का बना दिया है और इसको भी कॉबल स्टोन का बना ही देते हैं उनको यार टॉर्च हट गया है अभी के लिए उनको टॉर्च लगाते हैं पीना कोई देरी के और भाई यार यहाँ हम लोग लगाए गए स्टोन का यहाँ से स्टार्ट कर दे भाई ये मस्त लगेगा यार यहाँ से स्टार्ट कर देगा थोड़ा आगे ले ले तो मैं थोड़ा आगे ले ही लेते यार कितना भाई आई चलो यहाँ से बराबर स्टार्ट करते हैं इस जगह से बराबर स्टार्ट करते हैं माइनिंग तो मुझे ऊपर का तोड़ना ही पड़ेगा चलो तोड़ देते हैं अभी ऊपर वाला अब यहाँ से स्टार्ट करते ये पूरा तीन फुट का हाइट होगा मतलब तीन फुट का हाइट होगा ये बराबर एंडरमैन का हाइट है भाई वही मैं लेकर नाप के चलते बिना कोई देरी के भाई दो फुट का हाइट मस्त नहीं लगे तीन फुट का हाइट ही मस्त लगेगा और भाई मैं काउंट काउंट करने बोल गया वन टू थ्री फोर ओके फोर बराबर चार है और ये रहा पाँच और ये रहा छः और ये रहा सात और ये रहा आठ बराबर आठ ब्लॉक ठीक है बराबर आठ ब्लॉक लेना चाहिए मैं आठ आठ का पूरा बनाने वाला हूँ एट बाय एट का बनाने वाला पूरा का पूरा और एट बाय एट आप लोगों को मालूम होता होगा और को भाई एक मिनट यहाँ मेरे को एक पहले एट लेना पड़ेगा यहाँ से हो गया टू हाँ ये हो गया थ्री ये हो गया फोर फाइव सिक्स ऐसा काउंटिंग बोल जाए थोड़ा वो थोड़ा आगे ज़रा डिप करो को एक मिनट वन टू थ्री फोर बाई फोर हुआ है ठीक है ये हुआ फाइव सिक्स सेवन अब भाई ग्रेवल ना गिर जाए और ये रहा भाई एट यहाँ बराबर है भाई यार या या ये बराबर है हम लोग ऊपर डिप करते ओके okay, भाई ऊपर का मैंने डिप किया ही नहीं है एट या कितना है भाई यार मैं उससे काउंट किया ही नहीं मैंने रुको एक मिनट यार भाई वहाँ का काउंट नहीं करा जाता है अबे यार ये ग्रेवल भी बीच में आ गया सो तो, तो पहले तोड़ देते हैं हम लोग बिना कोई देरी के अब मैंने क्या मालूम क्यों काउंट किया भाई कुछ काउंट किया ही नहीं बस बोले जा रहा हूँ मैं okay, टॉर्च लगा देते भाई क्या होता ग्रेवल गिर जाए भाई टॉर्च लगाने से भाई कुछ कुछ साइंटिस्ट बाबा की ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी फोर्स एंड प्रेशर आप लोग पढ़े हो और भाई यार ये साइंटिस्ट बाबा का तो कुछ और ही नशे है भाई उन लोग ग्रेविटी धूल निकाले क्या होता बस अब एप्पल टपका और उन लोगों उन लोग घरे ग्रेविटी ग्रेविटी निकाल दी भाई क्या बात है यार क्या बनाते स्कूल वाले बात भाई मैं भी पढ़ के आया हूँ यार पर अभी अब भी जस्ट सिखाया था लेसन हम लोग स्कूल में ऐसे ही बोल रहा कुछ ज़्यादा मतलब ये हुआ हुआ वन कितना भाई हुआ वन ईयर हुआ हुआ भाई बहुत पहले सिखाया था और भाई यार मैं यहाँ ध्यान नहीं दे रहा मैं स्कूल के बातें कर रहा हूँ यार पहले मेरे को जल्दी जल्दी फार्म बनाते ओके भाई रुको पहले मेरे को पहले ना यहाँ से भी पहले ऊपर यहाँ से भी मेरे को बनाना पड़ेगा बस वही जगह नहीं है मैं सीधा यहाँ से सीधा से कोव बना के लेके आऊँगा कह हाँ भाई कह सीधा अभी चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं बिना कोई देरी के यहाँ से तो बड़ा हुआ इतना बड़ा आठ होता होगा इतना बराबर आठ है यहाँ ये साथ था ये आठ है और फिर हमें ये हुआ यहाँ से अरे यार ऊपर का तो माइनिंग किया ही नहीं मैंने यार उसको माइनिंग कर देते फाइनली हो चुका है अब ये होगा वन टू थ्री भाई कितना दिख रहा भी नहीं है भाई तीन ही है ना एक दो तीन और ये रहा मेरा चार पाँच छ सात आठ नौ भाई आठ बराबर और यहाँ से मेरे को करना पड़ेगा बी ये हुआ एक दो तिवा सी तरह कर दो क्योंकि मैंने जो कि मैंने वहाँ माइनिंग किया था इसलिए पक्का रोशनी आएगा ही आएगा कुछ ज़्यादा अंधेरा हो रहा है भाई यार दिख रहा भी नहीं है मेरे को टॉर्च भी नहीं है मेरे पास भाई कभी खुल देगा भाई ओके फाइल ही खुल चुका है वो रास्ता भाई यार पूरा का पूरा हो चुका है भाई एट बाई एट सारा जगह एट एट है बस यहाँ से सिक्सटीन का फोर्टीन कुछ होता होगा पूरा एक स्ट्रेट लाइन पर एट बाई एट है दोनों साइड का अभी चलो चलते भी ना इधर के ऊपर की और भाई यार मेरे को अभी थोड़ा बहुत सामान कलेक्ट करना है और भाई यार ऊपर का डेकोरेशन कैसा है कमेंट कर देना भाई लोग और इसके अंदर वो आएगी भाई पिक्स आएगी शीप काउ ऐसे सब आने वाले हैं मैं शायद से हेंड्स लेके आऊँगा बोल नहीं सकते हैंस का गारंटी और पहली बार भाई एक बार अंडा फोड़ा सीधा मुर्गी निकला पर मुर्गी मेरे को नहीं चाहिए तो मर जा भाई कोई फायदा नहीं है निकाल के भी ओके अभी हम लोग जल्दी जल्दी सब सामान कलेक्ट करते हैं और चलते भाई और पूरा मतलब जो अभी बना डब्बा माफी जो कि मैंने एट बाई एट बार साइड का साइड का खुदा हो और बीच का बाकी है बीच का सब करना है मेरे को सब उसको पूरा प्लेन कर देना है जगह को बस दो मिनट दो अभी का मैं आपको प्लेन करके मिलता हूँ ओके गाइस फाइनली पूरा का पूरा मैंने प्लेन कर दिया है एक लास्ट लुक तो मेरा ऐसे ही कुछ जाएगा आप लोगों को पसंद है तो लाइक कर सकते हो भाई कोई टेंशन ही नहीं है भाई यार और यहाँ तो मेरे को क्राफ्ट इंडिया पहले नीचे ले लेते तो और ये क्रीपर भाई यहाँ मत फुट भाई यार ये नीचे का दो ब्लॉक अरे यार ऊपर पूरा डर्ट तोड़ दिया यार ये बंधे ने मैं सब बंदोबस्त के साथ आया और यहाँ डर्ट सब लेके आ गया मैं जो कि यहाँ डर्ट का थोड़ा काम लगा था मैंने ऊपर से पूरा डर्ट लगा दिया मतलब ऊपर कितना भाई यार ये बस तो अगर आप तीन ब्लॉक इसको खोदोगे ना सीधा आपको सीधा ऊपर का लुक दिखाई देगा इसलिए मैं बस ये ये पूरा ये पूरे ये पूरी जगह में डर्ट था और थोड़े थोड़े जगह में कॉबल स्टो मतलब स्टोन थे इसलिए लिए सब माइनिंग करके मैंने पूरा डर्ट कन्वर्ट कर दिया डर्ट में एक जगह में भी ऊपर आपको को स्टोन दिखाई नहीं देंगे और कुछ फाइनल लुक तो मेरा ऐसे सार मतलब पूरी जगह से ऐसे स्टोन और बस उसके ऊपर थोड़ा ग्रास भाई ऐसे मतलब थोड़ा अच्छा तो थो लग रहा है कैसा लग रहा है कमेंट कर देना आप लोग इसको दस में से कितना नंबर दोगे भाई यार अभी कब जाए कमेंट कर देना वीडियो पोस्ट करना अभी जाए कमेंट करना और भाई लोग आए जो जो अभी देख रहे हो अगर कमेंट करने जा रहे हो तो इसे लाइक भी कर देना साथ में अभी चलो भाई इसको भी निकाल देते यार सब जगह प्लेन चाहिए मेरे को डिसिप्लिन फर्स्ट ठीक है तुम लोग क्या कर डिसिप्लिन नहीं है भाई इन लोग को ये ऑपर को भाई ये ऑपर ना पहली बार मतलब पहली बार नहीं पहले तो नहीं था ऑपर अभी कुछ नया लेके आए भाई यार इन लोग भाई यार और मैं का तोड़ दिया स्टोन को स्टोन को भाई इतना कितना मेहनत लगता है यार फर्नेस डाल के फिर बाद में पकाना पड़ता है स्टोन लेकर आने के लिए और सब वेस्ट कर रहा उसको चलो अभी उसको बाद में बातें करेगी और पहले हम लोग स्टिक बना लेते थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत नहीं कुछ ज़्यादा चाहिए हम लोग को और वुड का तो बंदोबस्त नहीं है भाई वन ब्लॉक नहीं वन ब्लॉक ही है सर्वाइवल सीरीज कहाँ जाओ वुड़ मिल जाएगा यार अभी यार वुड़ तोड़ के ले गया था वुड तोड़ के और हम लोग लास्ट एपिसोड में कितना सारा वुड कलेक्ट किया था भाई आप लोग को मालूम होता होगा तो जैसे लास्ट एपिसोड नहीं देखे भाई उसमें उसने कुछ ज़्यादा नहीं किया मैंने बस क्या है राउंड मारा पूरा मतलब थोड़ा राउंड मारते और ही कहाँ चले गया था वो बात अलग है और भाई यार स्टार्टिंग में मैंने वुड सब कलेक्ट करके रख लिया था भाई यार वो मेरा अभी थोड़ा हेल्पफुल हो रहा है और हम लोग पूरा फेंस बना लेंगे अभी के लिए फैंस और फिर हमें लगाएगी फेंस गेट पहले यहाँ से स्टार्ट करते सारे के सारे कॉर्नर में लगाए गए और फिर हमें काउंट करके देखिए कितना है करके मैं मतलब तो काउंट नहीं किया हो कितना काउंट करेगी और भाई यहाँ से बराबर दो ब्लॉक का गैप होना चाहिए बाकी पूरे जगह में हम लोग रख देंगे बस दो ब्लॉक के गैप के अंदर हम लोग यहाँ वहाँ जा सकते एक ब्लॉक का गैप रहना कुछ अजीब अजीब लगेगा इसलिए बराबर दो ब्लॉक का गैप छोड़ेंगे आगे से और यहाँ से सब लगाना स्टार्ट कर देंगे बिना कोई देरी के और बीच में अभी डिवाइड करेंगे बस एक मिनट दो मेरे को पहले मैं कंप्लीट कर लेता उसको और फिर बाद में डिवाइड कर दे बीच में से ओके फाइनल इतना कंप्लीट हो चुका है अभी काउंट कर दे बिना कोई देरी के ये हुआ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सिक्सटीन है भाई में यकीन नहीं हो रहा चलो और एक बार काउंट कर लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन टवेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन सिक्सटीन भाई सिक्सटीन बराबर सिक्सटीन है तो सिक्सटीन का हाफ हाफ तो नहीं होगा मेरे को एक ब्लॉक एक्स्ट्रा करना मतलब एक ब्लॉक एक्स्ट्रा डीप करना पड़ेगा फाइव फाइव पूरा मतलब एक जगह में पूरा फाइव फाइव बैठ जाएगा मतलब यहाँ होगा पाँच ठीक है एक दो तीन चार पाँच ठीक है यहाँ पाँच आ रहा है और फिर इसके मैं इसके छत हुआ ठीक है सिक्स इसमें मैं लगाऊंगा मतलब पकड़ लो यार फाइव वाला फिफ्टीन ठीक है तो मैं मतलब सेवेंटीन लगाया तो भाई बराबर तो होगा सेवेंटीन मतलब सिक्सटीन और सेवेंटीन को छोड़ दो और हो जाएगा फिफ्टीन सब जगह में पाँच पाँच होगा साइड का साइड का ऐड मत करो बस ये दो ही लेयर लगे और एक लेयर लगेगा हो जाएगा पूरा सेवेंटीन को मैं आपको लास्ट लुक बताता हूँ आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा रुको एक मिनट एक दो तीन चार पाँच मेरे को एक ब्लॉक माइनिंग करना पड़ेगा रुको है बस एक मिनट दो अभी का माइनिंग करके मिलता मतलब मेरे को एक एक ब्लॉक डीप करना पड़ेगा यहाँ बराबर चार ब्लॉक ही रहेगा पांच ब्लॉक नहीं रहेगा फिर मेरे को और एक बार दीवार तोड़ना पड़ेगा ही पड़ना, पड़ना मतलब दीवार तोड़ना पड़ेगा फिर तो बस एक मिनट तो अभी का पूरा का पूरा दीवाल तोड़ के मिलता हो और मैंने भाई एक्स नहीं लिखा है यार मैंने इतना गंदी हरकत कर देता हूँ यार मैं भी कब कबाल और मेरे को ये फ़ैंस भी वापस लगाना पड़ेगा एक ब्लॉक थोड़ा आगे ज़्यादा फैंस तो है मेरे पास मैंने कुछ ज़्यादा ही फैंस बना दिया था बस एक मिनट तो अभी कब मैं पूरा का पूरा ये माइनिंग करके मिलता हूँ ओके आज फाइनली पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है मैंने एक ब्लॉक वहाँ से एक्सटेंड कर लिया और मैंने उसके ऊपर थोड़ा बहुत ब्लॉक क्या बोलते हैं काबल स्टोन मतलब काबल स्टोन नहीं स्टोन लगा दिया मैंने उसके ऊपर कैसे लुक करना था वैसी लुक कर दिया मैंने इस साइड का भी ओके okay, अभी हम जल्दी जल्दी फेंस लगाते हैं अब सर जगह में होगा फाई फाई का डिस्टेंस और आप लोग शायद अभी भी समझ में नहीं आता होगा जो मैं अभी लगा रहा हूँ ना ये समझ लो सेवनटीन और ये सेवनटीन मत बोडो ये समझ लो सेवेंटीन और उसके आगे वाला मैं और एक लगाया ना भाई वो समझ लो सिक्सटीन भाई साइड का काउंट मत करो बस बीस का दो काउंट करो अगर दो कट कर दिया होगा आप लोग ने तो आपको कितना बचता है आप लोग मालूम मालूम मतलब फिफ्टीन बचेगा और फिफ्टीन का भाई हाफ कितना मतलब फिफ्टीन का हाफ हाफ कितना होता है फाइव फाई बस यहाँ तीन लेयर बनाने मतलब तीन लेयर बनाया अभी के लिए सर थ्री थ्री अच्छा नहीं लगेगा इसलिए मैं सीधा फाई फाई ले लिया और यहाँ ये यह रहेगा फेंस के लिए जगह बराबर है भाई चार में से अगर आप बस एक लोगे तो कितना बचेगा चार बचेगा और चार में से एक होता है मिडल वाला भाई वही मैंने सीधा फेंस गेट लगा दिया या साइड में मिडल गेट नहीं मतलब साइड में ऐसे फेंस नहीं लगाएगी बीचों बीच लगाया कितना मस्त लग रहा है ओके गाइस इस पर कित कैसे लग रहा है कमेंट कर देना भाई लोग यार और भाई यार और इसके अंदर आएगी भाई पिक्स और काओ और शीप इतना ही लेकर आऊँगा और भाई आज की वीडियो में बिल्कुल भी नहीं लेके वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया और भाई लोग यार थैंक्स फॉर वॉचिंग आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई लोग और मैं क्या अंदर लेके आओ भाई कमेंट कर देना पिक्स लेके आओ क्या, क्या आ, में हंस लेके आओ क्या शीप क्या काव क्या लेके आना कमेंट कर देना और मैं न्यू मतलब म्यूजियम भी बनाने का सोच रहा हूँ भाई थोड़ा सपोर्ट करना तुम्हारे भाई को मतलब मोटिवेट होगा आगे ऐसे वीडियो डालने के लिए ओके क्या आज की वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कर देना और भाई लोग थोड़ा थोड़ा कमेंट भी कर देना ऐसे क्या क्या मैं करूँ ऐसे मोटिवेट कमेंट्स ठीक है ओके okay, अब मिलते हैं अगली अच्छी वीडियो में और उसको आप दस में से कितना नंबर दोगे साथ में वो भी कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स पूरा फ्री पड़ा है आप लोग कुछ भी कमेंट कर सकते थोड़ा अच्छा कमेंट करो गंदा कमेंट मत बिल्कुल ही मत करना ओके okay, गाइज मिलते हैं अगली अच्छी वीडियो में और थैंक्स फॉर वॉचिंग goodbye always do it on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the noise i just wanna keep moving keep my head up when i act head up that's a fact never looking back i'ma keep myself on track keep my head up stay